हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम कक्षा 7 से नई दीपमणिका से पाठ 4 लंग लकार उत्तम पुरुष की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं लेसन 4 की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यदि आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा तो मैंने इसकी वीडियो बना के डाली हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यदि आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचितम मेलनम, उचित मिलान कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपके इससे मिलान करने हैं, ठीक है। तो यानी कि सा के साथ क्या आएगा, देखते हैं सा के साथ क्या आएगा। ये लंग लकार में चल रहा है तो सा के साथ क्या आ जाना चाहिए, ता, यानी कि अगच्छत। एक वचन में आना चाहिए सा, तो ये आ गया सा कदा विद्यालयम अगच्छत। ये जो सेकंड पॉइंट है, तो यानी कि मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया। वैसे मैं सेम सही आंसर सामने लिखती हूँ, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे हमें जल्दी लर्न हो जाता है। तो क्या हो गया, सा कदा विद्यालयम आगच्छत, वह कब विद्यालय गई। सेकंड है ते, अब हमें ते पे देखना है कि ये द्विवचन वाला है या बहुवचन। तो यानी कि यहाँ पे अगर द्विवचन वाले दो होंगे तो ही हम इसे यूज़ करेंगे, नहीं तो हम इसे बहुवचन में यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता, अगर ये स्त्रीलिंग नहीं है तो इट मीन्स हम इसे पुल्लिंग में ही मानेंगे। तो ते के साथ क्या आ जाएगा, वल कंदुकम आखेलन, वे सब क्रिकेट का खेल खेले। तो यानी कि ये फिफ्थ पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आया छात्रों, अब हमें क्या करना है छात्रों के लिए, द्विवचन में जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं द्विवचन में क्या है, विद्यालय आतिष्ठताम, दो छात्र विद्यालय में ठहरे। तो यानी कि ये कौन सा पॉइंट है हमारा, फोर्थ, तो हमने यहाँ पे लिखा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं युवाम, अब हमें क्या करना है, युवाम देख के मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो हमें मध्यम पुरुष द्विवचन में जाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन कौन सा है, जिसमें से हमारा ये हो चुका, हमने इसको क्रॉस कर दिया अपने उसमें, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास ये दो बचे हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये और एक ये। अब युवाम के साथ क्या आ जाएगा, आयच्छतम, कदा बालकेभ्यः भोजनम आयच्छतम। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और हमने यहाँ पे शो कर दिया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आया अहम, अब अहम के साथ हमें पता है कि ये अस्मरम वाला ही अहम के साथ आएगा, अहम स्वपाठम न अस्मरम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड। कुछ बच्चे ये वाले पॉइंट नंबरिंग ना करके क ख घ लिखते हैं, तो मैंने वो भी कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ये एक बार एक क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे लिखना है कि सा का क, तो ये सेकंड वाले के आगे क लिख दीजिए, और ऐसे ही जहाँ पे ख आएगा फिर फिफ्थ के आगे ख लिख दीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट आया निर्देशानुसार वचनम परिवर्तन, निर्देशानुसार वचन बदलिए, अहम पुस्तकम आपठम। अब ये सेंटेंस तो करेक्ट है, अहम पुस्तकम आपठम, बट इस क्या कह रहा है कि इसको बहुवचन में चेंज करना है। बहुवचन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अहम हमारा एक वचन है, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे हम क्रिया को भी पुरुष चक्र के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वयम पुस्तकम आपठाम। बार बार बताती हूँ कि इसमें बहुवचन में हलंत नहीं आता। नेक्स्ट अहम विद्यालयम आगच्छम, अब इसको द्विवचन में चेंज करना है, तो द्विवचन में अहम का क्या हो जाएगा, आवाम, और आगच्छम का आगच्छाव, तो आया आवाम विद्यालयम आगच्छाव। हाइलाइटेड भी कर सकते हैं हम इसको, कि हम कौन कौन से चेंज कर रहे हैं, जब हम कर्ता चेंज करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी चेंज करते हैं, क्लियर। ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आया आवाम मनोहरम गीतम आस्मराव, अब इसको बहुवचन में चेंज करना है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कर्ता को और क्रिया को चेंज कर रहे हैं, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, आवाम का वयम और आस्मराव का आस्मराव। तो हमने क्या लिख दिया, वयम मनोहरम गीतम आस्मराव, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
अहम पुस्तकम गृहम आनयम, मैं पुस्तक घर ले गया। तो इसको बहुवचन में चेंज करने के लिए वही अहम का वयम, पुस्तकम गृहम आनयम। इसमें देखिए मैंने कहीं पर भी दोनों जगह कोई हलंत नहीं लगाया क्योंकि ये बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयम असत्यम न अवदाम। अब हमें इसे एक वचन में चेंज करना है। वयम का एक वचन क्या था उत्तम पुरुष में, अहम, और अवदाम का क्या हो जाएगा, अवदम। तो मैंने सीधा सीधा लिखा अहम असत्यम न अवदम, ये हमारा अंडरलाइन भी हो गया कि हमने क्या क्या चेंज किया है। ओके, नेक्स्ट आया वयम उद्याने आक्रीडाम। अब इसे हमें द्विवचन में चेंज करना है। तो वयम का द्विवचन हमारे पास क्या था, आवाम। ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, अच्छे से रट जाएंगे अगर आप इसे बार बार अभ्यास करेंगे तो। आवाम उद्याने, अब इसको भी चेंज करना है आक्रीडा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यानि उचित क्रमेण लिख। निम्न वाक्यों को उचित क्रम से लिखे, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इसको हमें रीअरेंज करना है, इस सेंटेंस को। निर्धनाय आयच्छम अहम वस्त्रम। अब हम ऐसे जैसे हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना रहे हैं हम बोल, तो हम इसको कैसे करेंगे इसको सीधा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता को ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसके लिए यूज़ करा, अहम, मैं गरीबों को, तो यानी कि निर्धनाय, अहम अहम निर्धनाय क्या दे रहे हैं, वस्त्रम आयच्छम। आयच्छम ये जो क्रिया है ये लास्ट में चली जाएगी और ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे पहले आ जाएगा और बीच में ये ऑब्जेक्ट लग जाएंगे, ये कारक चिन्ह जो कारक है हमारे, और उसके साथ ही ये ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अहम निर्धनाय वस्त्रम आयच्छम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, त्वम अगच्छय कदा विद्यालयम। अब इसको करेक्ट करो, त्वम जैसा कि मैंने आपको बताया था कर्ता सबसे पहले आ जाएगा, त्वम विद्यालयम कदा अगच्छय। ओके, शायद आप भी मेरे साथ आंसर बोल सकते हैं क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, युद्धम सदा अजयत यूयम। अब सबसे पहले कर्ता क्या है हमारा, यूयम, यूयम सदा युद्धम अजयत। अब ये जो क्रिया ये बिल्कुल लास्ट में चली जाएगी, तो ये हमने लिखा यूयम सदा युद्धम अजयत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतस्य वयम आस्म ऋषि, भारत के हम सब ऋषि हैं। अब हम इसको कैसे करना है, हम सब भारत के ऋषि हैं, तो क्या लिखेंगे, वयम भारतस्य ऋषि है आस। ओके, वयम भारतस्य, यहाँ पे ऋषि लिख दिया था तो यहाँ पे ऋषि है कर दो, ऋषि है आस्म। ओके, ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्राणी प्रातः आवाम आगच्छाव। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता ले आएंगे, आवाम क्षेत्राणी प्रातः आगच्छाव, हम सब खेत सुबह, हम सब सुबह, तो हम इसमें प्रातः पहले कर सकते हैं, हम सब सुबह क्षेत्रों की ओर गए। वैसे इसमें प्रति दे नहीं रखा, ये मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, आप इसे कट भी कर सकते हैं, प्रातः है क्षेत्राणी आगच्छाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा उद्बोधनम से, निम्नलिखितानाम धातूनाम लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य रूपाणि लिखत। अब हमें निम्नलिखित धातुओं के लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं, कथ धातु। अब हमें किस में चलना है, उत्तम पुरुष के रूप लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, अकथम अकथाव और अकथा, कथ धातु मीन्स कहना, ठीक है। भ्रम धातु घूमना, अभ्रमम अभ्रमाव, अपनी स्पेलिंग पे ध्यान देना ताकि ये रॉन्ग ना हो, फिर बच्चे टेस्ट में गलत करते हैं। नेक्स्ट आया नित, अनित्यम अनित्याव, और नेक्स्ट क्या बनेगा, अनित्याम। ओके, लास्ट देखते हैं, अस धातु से आसीत, जो कि हमारी चलती है लंग लकार, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आसत
आस्म, क्या लिखेंगे? आस्म, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, आस्व और ये आस्म, करेक्ट? यहाँ पे कोई हलंत नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लंग लकार से उचित धातु रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत, लंग लकार के उचित धातु रूप से रिक्त स्थान बने अहम, वृद्धम, नरम। अब हमें इसमें से ढूंढना है अनमत, आनमम या अनम है, तो क्या रहेगा? आनमम। नेक्स्ट देखते हैं वयम, कविताम, देखते हैं वयम के साथ कौन सा यूज होगा, यस आस्मराम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आवाम, उद्याने, देखिए आव वाला कौन सा है, आ भ्रमाओ, करेक्ट। अहम रात्रौ गृह गृह कार्यम, अहम के साथ क्या जाएगा, आकर्म, वेरी गुड चिल्ड्रन। शायद मुझे लग रहा है आप भी आंसर बोले, ये मैंने पहले से लिख भी दिए थे, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप इस तरह से अगर लिखेंगे और यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेज में हमें अपने आप यहाँ से छुपा के हम अपने आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बाद में बहुत दिक्कत आती है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं पद परिचय, पद परिचय कीजिए, अकरो, अकरो में क्या करना है, हमें ये क्रियापद दिए गए हैं सारे और हमें इसमें धातु बतानी है। अकरो में कौन सी धातु है, कर से पता चल जाता है ये कौन सी धातु है, क्री, और आ से क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार, और पुरुष कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, और वचन हो गया एक वचन, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आ नमतम, तो यानी कि आ हटा दो तो कौन सी है, नम धातु, और आ से पता चल रहा है कौन सा लकार है, लंग लकार, आनमतम, कौन सा पुरुष आ गया, वही मध्यम पुरुष, और यहाँ पे आ गया द्विवचन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आ पठम, अभी आ पठम में कौन सी धातु आ गई, वही आ हटा दो, पठ धातु आ गई, लकार कौन सा हो गया, लंग लकार, अब कौन सा पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष, क्योंकि इसमें क्या आ गया, आ पठम, और ये कौन सा वचन आ गया हमारा, एक वचन, करेक्ट। आ क्रीडत, कौन सी धातु आ गई हमारी, क्रीड धातु, वही सेम लंग लकार, वचन कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष, और सॉरी पुरुष कौन सा हो गया, मध्यम, और वचन कौन सा हो गया, बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हम दोनों अतुल के घर गए, अब हम दोनों की क्या हो जाएगी, आवाम, अतुल के कौन सा चिन्ह आ गया, का के की, यानी कि संबंध का के की, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में पहुँच जाओ, हम दोनों आवाम अतुलस्य घर को गए, तो गृहम आ गच्छा, हम दोनों गए थे ना, तो यहाँ पे हो गया आवाम अतुलस्य गृहम आगच्छाओ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मैंने पाठ याद किया, मैंने की क्या हो जाएगी, अहम, पाठ याद किया, पाठम, याद किया, तो दोनों को इकट्ठा ले लो, याद करने की कौन सी होती है, स्मृति धातु, तो स्मृति धातु को लंग लकार में ले जाओ अहम के साथ, आस्मरम, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कर भी रखे हैं, अहम पाठम आस्मरम। नेक्स्ट देखते हैं मैंने लाल किला, लाल किले को क्या बोलते हैं, रक्त दुर्ग, ये हमारा तत्सम शब्द है, देखा, अहम रक्त दुर्गम आपश्यम, हम दोनों ने, तो पहले तो इसी की बनाओ, हम दोनों ने आवाम पिता को, या तो आप लिख सकते हैं जनकम और या फिर लिख सकते हैं पितरम, ठीक है, और ये क्या आ गया, देखा, देखा के लिए कौन सी धातु होती है, दृश धातु होती है, जो कि हमारी परिवर्तित होती है पश्य में, तो क्या हो जाएगा, आपश्याओ, ओके। नेक्स्ट आया हम दोनों उद्यान में खेले, हम दोनों वही आवाम उद्यान में, कौन सी विभक्ति आ गई, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में चले जाओ, उद्याने और खेले, आ क्रीडाओ या आ खेलाओ, ये मैंने लिख रखे हैं, आप इसका आंसर यहाँ से भी अच्छे से देखकर लिख सकते हैं, ध्यान से देखकर लिखना ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, ओके बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।